हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का कटोरी ब्लाउज का फुल ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से देखिए फोल्ड करके रखना है। मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक ज़्यादा है। अगर आप कटोरी ब्लाउज कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं डायरेक्ट, तो आप 1 मीटर का कपड़ा लीजिएगा, और अगर पहले पेपर पर करेंगे और फिर कपड़े पर रखकर करेंगे तो 80 सेंटीमीटर में ही आप कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेना है। ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। मैं यहाँ पर लेंथ रख रही हूँ तैयार 13 इंच, उसमें 1 इंच बढ़ाकर 14 इंच पर मैंने मार्किंग किया है। 1 इंच आपको मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्किंग कर दिया है। यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। डीप नेक में 34 साइज़ का कटोरी ब्लाउज मैं यहाँ पर बना रही हूँ। पीछे का गला बड़ा है तो शोल्डर रखने हैं हमें 5 इंच। यहाँ से भी 5 इंच मार्क करेंगे, और आर्म होल लिए हैं मैंने 5.5 इंच। इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर ले लेंगे 8.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं अपने ब्लाउज में। चेस्ट की लाइन बना लेनी है। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे, और तिरछी लाइन हमने यहाँ पर बनानी होती है। ये हमें बैक पार्ट में ही करना है, जिसमें गला हमारा डीप होता है उसमें ही हम तिरछी लाइन बाहर की तरफ लेंगे 1/2 इंच, क्योंकि हम ऊपर की तरफ शोल्डर कम रखते हैं। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लिया है 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और 1 इंच एक्स्ट्रा और रखा है कमर की प्लेट्स के लिए। तो इतना मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट का, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग की है, और कटिंग यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हमें इसे कटिंग भी कर लेनी है। चैनल पर मैंने अलग अलग साइज़ के और भी कटोरी ब्लाउज अपलोड किए हुए हैं, और पेपर कटिंग के साथ भी किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूँगी, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ये बैक पार्ट है, इसे हम साइड में रखेंगे, और अब कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए दूसरी तरफ से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बराबर से रखते हुए। आप खुली भाग की तरफ से भी कर सकते हैं और बंद भाग की तरफ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अलग से इतना कपड़ा मैंने कट कर दिया है ताकि अच्छे से मैं यहाँ पर इसे रख पाऊँ। नीचे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसे मैंने कट भी कर दिया है। फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमने टोटल लेंथ लेनी है। जैसे कि बैक पार्ट की टोटल लंबाई हमने रखी थी 14 इंच, अब फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच हम बढ़ा कर लेंगे। जब भी हम बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं उसमें 1 इंच बढ़ा कर हमें मार्किंग करनी होती है। तो नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा और लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए। ये 1/2 इंच मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए लिया है। अब इसे छोड़ते हुए आपको इसके ऊपर बैक पार्ट को रख लेना है। जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उस जगह को छोड़ देंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट को रख लेंगे। रखने के बाद हमने एज इट इज़ यहाँ पर कट कर देना है। आप चाहें तो पहले मार्किंग भी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे बढ़ाते हुए कट करूँगी। आर्म होल तरफ नहीं बढ़ाना है। नीचे जहाँ पर हम बेल्ट अटैच करते हैं वहाँ पर मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है। तो ये जो हम फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं, इसे आपको बाद में कैसे छाटना होता है उसके लिए मैंने फिटिंग में आपको बताया हुआ है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, फिटिंग वाला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, जबकि कैसे हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकालना होता है। बैक पार्ट को 1/2 इंच ऊपर की तरफ छाट लीजिएगा, और अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। यहाँ पर हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आर्म होल में 1/2 इंच आपको अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने फ्रंट के लिए छाट लिया है। यहाँ पर अब लेंगे गले का मेजरमेंट। तो गले की विड्थ आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 1/2 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है 1/2 इंच पर। इसके बाद गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। कटोरी ब्लाउज में आगे का गला ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा डीप नहीं होता है, तो आप 6.5 इंच पर मार्क करें। छोटा पहनते हैं तो 6 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 6.5 इंच लिया है,
और नीचे से नेक की विड्थ रखिएगा 2.5 इंच पे, 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और राउंड सिंपल यहाँ पर राउंड शेप बना लेंगे। कपड़ा कहीं से भी बड़ा छोटा हो रहा है तो आप छांट लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा कटिंग करते समय। बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे हम 3.25 इंच पर, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से भी 3 इंच, आगे की तरफ से 3.25 इंच लिया है और दोनों तरफ से मैंने लिया है 3 इंच। अब इस लाइन को इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। सिंपल इस तरीके से मैंने बेल्ट का शेप यहाँ पर दे दिया है। तो ये कपड़ा मैं जहाँ से मुझे ज़्यादा निकलता हुआ दिख रहा है वहाँ से छाट रही हूँ मैं। इसके बाद हमें कटोरी का मार्किंग करना है, तो ये जो भी मार्किंग मैं कर रही हूँ 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी को छोड़ते हुए कर रही हूँ। कटोरी का जो मेज़रमेंट है वो मैंने 5 इंच लिया है, 34 साइज़ में मैं कटोरी 5 इंच लेती हूँ। आर्म होल्स तरफ से मैंने 2 इंच पर मार्क किया है, यहाँ पर आप 2 से 2.25 इंच मार्किंग कीजिएगा और ऊपर की तरफ से 5 इंच पे किया है। गले के यहाँ से मैंने 5 इंच पर मार्किंग कर दिया है। अब इस सभी लाइंस को हमने मिला देना है, तो इस तरीके से यहाँ पर सभी लाइन को मैंने मिला दिया है बराबर से। इसके बाद हमने इसे कटिंग कर लेना है, तो इस तरीके से सबसे पहले बेल्ट को कट करेंगे। बेल्ट कटिंग हो गया है, अब हमने गले की कटिंग करनी है। बराबर से जैसे मार्किंग हमने किया हुआ है मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। बीच में से इसे ओपन कर लेंगे और ये जो कटोरी वाला पार्ट है इसे अलग से हमने कट कर देना है। कटोरी वाले पार्ट को मैंने अलग कट करके निकाल दिया है। अब हम कटोरी को करेंगे बड़ा, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा अस्तर का कपड़ा चाहिए, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर इसे बड़ा करके कटिंग करेंगे। ये देखिए अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसके ऊपर कटोरी रख ली है। कटोरी आप अगर क्रॉस कपड़े में कटिंग करेंगे तो इससे फिटिंग अच्छा आता है कटोरी में, तो मैंने इसे तिरछे में ही रख लिया है। अगर फैब्रिक ज़्यादा नहीं होता है तो आप सीधे में भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने कटोरी को तिरछे कपड़े पर रखा है और सबसे पहले हमें इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर देनी है। जैसी कटोरी है वैसा आप मार्किंग कर दें, उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिएगा इस तरफ से 1 इंच और यहाँ से भी हमने 1 इंच लेना है। दोनों तरफ से कटोरी के लिए 1/1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देंगे। ऊपर से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे से ही लेना है और 1/2 इंच यहाँ से बढ़ाएंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से करते हुए इसे नीचे की तरफ मिला देना है। इसके बाद ये जो हमने 1/1 इंच बढ़ाया है यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, यहाँ तक मिलाएंगे और इसके बाद हमने कर लेना है इसका सेंटर मार्किंग। सेंटर मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ बढ़ाना है 1.5 इंच, नीचे की तरफ से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है। अब इसे हमने यहाँ से इस तरफ मिला देना है और यहाँ से इस तरफ मिला देना है। दोनों तरफ से बराबर से मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए जैसी मार्किंग की हुई है हमने मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर कटोरी की कटिंग मैंने कर ली है। अब ये जो छोटी कटोरी है ये हमारे किसी भी यूज़ में नहीं है, जो कटोरी हमने बढ़ाई हुई है यही कटोरी हम अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये देखिए इसे साइड में रख लेंगे और अब हमें करना है स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स कट करने के लिए मैं बैक पार्ट का आर्म होल नापती हूँ। किस तरीके से आपको यहाँ पर नापना है, 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है और बचा हुआ जो आर्म होल है आप ऊपर से ही इस तरीके से नाप लीजिएगा। तो ये मेरे मेज़रमेंट में आ रहा है टोटल आर्म होल 7.5 इंच, 7.5 इंच। ये देखिए 7.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। बचे हुए कपड़े को हमने फोल्ड कर लेना है। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़ी स्लीव्स अपने ब्लाउज में लगा सकते हैं, तो जैसी भी स्लीव्स आप लगाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े को फोल्ड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 4.5 इंच की लंबाई में स्लीव्स को कट कर रही हूँ। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। नीचे से यहाँ से मैंने लंबाई ली है 4.5 इंच, 4.5 इंच, और जो आर्म होल हमने नापे थे 7.5 इंच वहाँ पर हमने मार्किंग कर देना है। ऊपर से लंबाई ली है यहाँ से मैंने 4.5 इंच, यहाँ से आर्म होल लिया है 7.5 इंच, यहाँ पर स्लीव्स को डाउन रखेंगे 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर। अगर आप 10 इंच या 8 इंच की स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 इंच पर डाउन कीजिएगा। हल्के हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप हमने इस तरीके से दे देना है। इसके बाद नीचे बॉटम का मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ पर बॉटम का मेज़रमेंट 11 इंच है,
तो उसका हाफ लिया है मैंने 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने ब्लाउज में जितना रखते हैं उतना ही आपको स्लीव्स में भी लेना है। मैंने 1.5 इंच रखा है तो 1.5 इंच ही मैंने यहाँ पर भी बढ़ाया हुआ है। इसके बाद स्लीव्स को बीच में से कट करके अलग अलग कर लेंगे। तो ये मेरी स्लीव्स कटिंग हो गई है, इसे खोलकर एक के ऊपर एक रख लेंगे। बराबर से अच्छे से रखते हुए हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई कट करनी है। इस तरीके से अंदर की तरफ 1/2 इंच का शेप देंगे, 1/2 इंच से ज़्यादा आपको नहीं देना है और इसे इस तरीके से कट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मार्किंग भी ज़रूर कर लें ताकि आपको जोड़ते समय पता रहेगा कि आपको ये फ्रंट पार्ट में ही अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पर एक क्रॉस का निशान बना दिया है। तो सभी पार्ट देखिए मेरे कटिंग हो गए हैं। अब इसे मैं मेन कपड़े पर रखकर कट कर लेती हूँ। सभी पार्ट मेरे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, गले का मेजरमेंट लेना है। तो गले की विड्थ जो है फ्रंट पार्ट में मैंने रखी थी 2.25 इंच, यहाँ पर भी 2.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने 9.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। स्क्वायर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से और सिंपल राउंड शेप मैंने यहाँ पर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइनर नेक बना सकते हैं, मैं इसमें सिंपल नेक रख रही हूँ। तो सिंपल मैंने राउंड शेप कटिंग कर दिया है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो अस्तर वाला कपड़ा है, सिंपल हम इसे सिलाई लगाकर पलट लेंगे। नीचे मेन कपड़े को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रखते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे। पिन लगाकर हमने अटैच करना है, फिर सिलाई लगाएंगे। गले के शेप के हिसाब से सिलाई मैंने लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए। कपड़े को हमने एक सिलाई इस तरफ करते हुए अस्तर के कपड़े पर लगा लेनी है। अब कपड़े को अंदर की तरफ कर लेंगे फोल्ड और एक सिलाई ऊपर लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हाथ से अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि कपड़े के अंदर सन ना आए। सिलाई लगाने के बाद ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है इसे हमने कट करके निकाल देना है। इस तरीके से आप फैब्रिक को कट कर दें। अब कमर में प्लेट्स लगाने के लिए सेंटर मार्किंग करेंगे। सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। कपड़े को फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगानी है। दोनों तरफ इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे। इस कपड़े को रखेंगे साइड में बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को आमने सामने की तरफ रखा है और इसके बाद इस पर सिलाई लगा दी है। इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर देना है और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद बेल्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमने कटोरी वाला पार्ट तैयार करना है। तो दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से एक कॉर्नर की सिलाई हमने लगा देनी है। बराबर से सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है इसे कट करके निकाल देंगे और दूसरा वाला कटोरी भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं कटोरी के। अब कटोरी में हमें टक्स लगाना है। तो टक्स लगाने के लिए सबसे पहले सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे कटोरी को और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। इसके बाद हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर विड्थ में लेना है। टक्स की विड्थ रखी है 1.5 इंच और लेंथ ली है 2.5 इंच। विड्थ में रखा है मैंने 1.5 इंच और लेंथ में लिया है 2.5 इंच। इस तरीके से हमने कटोरी में टक्स डालना है। ये देखिए बराबर से प्लेट्स मैंने यहाँ पर डाल ली है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी मैं प्लेट्स लगाऊंगी। तो इस तरीके से कटोरी को डबल फोल्ड कर देंगे, पिन लगा देंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे।
ये देखिए दोनों कटोरियों में मैंने प्लेट्स लगा दी हैं। अब इसे हम अपने ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट लेना है और इसे इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर देना है। आधा इंच का मार्जिन आप यहाँ पर कवर करते हुए सिलाई लगाएं और कटोरी पे आपको डबल सिलाई भी लगानी है। यहाँ पर मैं आपको एक एक सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको पक्की सिलाई लगानी होती है, दो सिलाई आप ज़रूर लगाइएगा। अच्छे से कटोरी को देखिए यहाँ पर अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक भी करते जाएंगे और अब यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट को मैंने अस्तर के कपड़े के साथ चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। नीचे जो कटोरी वाला टक्स है इसे आगे की तरफ फोल्ड कर लें और एक सिलाई लगा दें। बेल्ट पे डबल सिलाई लगाएंगे और सेम इसी तरीके से मैं आपको दूसरा वाला बेल्ट भी अटैच करके दिखाती हूँ कैसे करना है। अब दूसरा वाला बेल्ट लेंगे और इसे इस तरीके से रख लेंगे। कटोरी को आगे की तरफ रोल कर दीजिएगा और नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको बेल्ट को अटैच करना है। डबल सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके मैंने निकाल के फिनिशिंग कर दी है। दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमने हाई हुक की पट्टी तैयार करनी है। तो हाई हुक की पट्टी आप अस्तर के साथ मैन कपड़े को अटैच कर लें। 2 इंच की चौड़ाई में कपड़ा लीजिएगा और इसे आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं। पट्टी को आप नीचे रखते हुए ऊपर की तरफ पलट लीजिएगा। अपनी पसंद से किसी भी तरफ आप इसे अटैच कर सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। इस पर एक सिलाई हम और लगा लेंगे ताकि पट्टी अच्छे से बैठ जाए। अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करते हुए लिया है। अस्तर का कपड़ा लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसे इस तरीके से रख लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ हाई हुक की पट्टी जब आप अटैच करेंगे तो आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए ही सिलाई लगाएं, क्योंकि कटिंग करते समय हमने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लिया था। दोनों पार्ट रेडी करने के बाद एक के ऊपर एक रखकर चेक कर लें बराबर से जो है बैक पार्ट, ये जो फ्रंट पार्ट है बराबर से आ रहे हैं या नहीं। इसके बाद मैं लगा रही हूँ गले पर पट्टी। तो गले पर पट्टी लगाने के लिए मैंने इसे क्रॉस में कटिंग किया था। गला पट्टी हमेशा आप क्रॉस में ही कटिंग करें। अटैच करने के बाद छोटे छोटे कट लगाएं, एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि पट्टी को फोल्ड करने में आपको आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर दिया है और इसी तरीके से दूसरी तरफ की पट्टी भी हमने अटैच कर लेनी है। देखिए गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया है। अब मैं दूसरी तरफ भी पट्टी को लगा रही हूँ। तो जैसे मैंने इस तरफ लगाई है वैसे ही दूसरी तरफ भी पट्टी को अटैच कर देंगे फिनिशिंग के साथ। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमने ऊपर से फिनिशिंग की लगा दी है। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं बराबर से। ये देखिए कमर पट्टी भी मैंने नई लगाई है। अब हमने शोल्डर को जॉइंट करना है। तो नीचे बैक पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। अब मैं पूरे गले पर एक गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ। तो आप नेक को सिंपल रखना चाहें तो अपनी पसंद से सिंपल भी रख सकते हैं, या आपके ब्लाउज में जो भी कलर कॉम्बिनेशन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से नेक पर लेस लगा सकते हैं। तो आगे से पीछे तक हमने शोल्डर को जॉइंट कर दिया है। उसके बाद पूरे नेक पर इस तरीके से लेस को अटैच कर देंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे इस पर। जब भी आप लेस अटैच करते हैं तो इस तरीके से डबल सिलाई लगा लें। शोल्डर का जो मार्जिन है उसे बैक तरफ कर दीजिएगा। ये देखिए गला बराबर से यहाँ पर आ गया है और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर स्लीव्स पर भी ये लेस अटैच कर दी है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकालना है। बैक पार्ट में जो सेंटर मैंने मार्किंग किया था उसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रख लेना है और यहाँ पर चेक करना है। जैसे कि मेरा फ्रंट पार्ट बढ़ रहा है
तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बेल्ट के यहाँ से आधा इंच इसमें दबा देना है, इससे ये पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा। तो मैंने बेल्ट में इसमें कपड़े को दबा दिया है, अब ये बराबर से बैठ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर बराबर से नाप लेना है दोनों तरफ। तो यहाँ से भी मैंने आधा इंच इस तरीके से दबा दिया है। फिटिंग करने से पहले आपको ये चेक करना होता है। तो बेल्ट में आधा इंच दबाने के बाद अब हमने इस तरीके से इसे उल्टा कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। तो जो हमने कटिंग करते समय यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बैक नेक होता है वो डिज़ाइन वाला होता है, तो जो फ्रंट पार्ट होता है वो छोटा पड़ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। और इसे फिटिंग करने से पहले आपको ज़रूरी काटना होता है। तो इस तरीके से आप नाप करके कटिंग करने के बाद ही स्लीव्स को अटैच करें, और एक्स्ट्रा मार्जिन आपको स्लीव्स अटैच करने के पहले ही कटिंग करना होता है। क्रॉस का निशान आगे की तरफ रखते हुए हमने स्लीव्स को सेंटर से ही जोड़ना है। सेंटर से स्लीव्स को अटैच करेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही अटैच कीजिएगा इस तरीके से। डबल सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। दोनों तरफ के स्लीव्स मैंने जोड़ ली है। इसके बाद हमने सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगा कर इसे अटैच कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। इसके बाद सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए ये देखिए स्लीव्स का जो यहाँ पर जॉइंट होता है उसे मार्जिन से मार्जिन आपको मिलाना है और उसके बाद ही सिलाई लगानी है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी मैंने यहाँ पर जोड़ के रखी है। नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसे अटैच करना है इस तरीके से। कमर पट्टी आप डबल फोल्ड करके भी ले सकते हैं और सिंगल करके भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने इसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। पट्टी को अटैच करने के बाद हमने एक सिलाई इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है फिनिशिंग के साथ। आप चाहे तो यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मेन फिटिंग लगानी है, तो उसके लिए अपने ब्लाउज को हमने पूरा अच्छे से खोलकर उल्टा कर देना है। यहाँ पर एक सिलाई कॉर्नर किस तरीके से लगा लेंगे, ये देखिए। अब हमने चेस्ट और वेस्ट का करना है। चौथा भाग चेस्ट का लिया है 8.5 इंच, कमर का लिया है 7 इंच, स्लीव्स का आधा ले लेंगे 5.5 इंच और इन सभी लाइंस को अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमने इस तरीके से यहाँ पर एक फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही दूसरी तरफ का पार्ट भी मैंने फिटिंग कर दिया है और ये ब्लाउज बन के पूरा हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है कटोरी ब्लाउज़ का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।